नमस्ते। आज मैं तिथि कर्म मजदूर से संबंधित एक कहानी पढ़ूंगी। एक बार की बात है, रतनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बड़ी कपास के कपड़े की मिल थी, जिसमें कई सारे मजदूर काम करते थे। उनमें से एक सबसे बूढ़ा मजदूर, करीब 50 साल का, बहुत ईमानदार और मेहनती गोविंद था। उसकी दो बेटियां थी, नीना और रीना। उसकी पत्नी बहुत अस्वस्थ होने के कारण 3 माह पहले मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। नीना 18 साल की थी और वह कलाकृति में रुचिकर थी। नीना 20 साल की थी और वह सूखी घास की टोकरियां बनाती थी। वे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। गोविंद एक दिन खाट पर बैठ के विचार कर रहा था। उसने सोचा कि सही समय था उसकी दोनों पुत्रियों को विवाहित करने का। उसने अपनी बेटी मीना का विवाह एक रमत नामक लड़के से किया, जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। उसने अपनी दूसरी बेटी रीना का विवाह एक शर्म नामक लड़के से किया, जो खेती करता था। वे दोनों बहुत खुशी खुशी रहते थे, पर 1 माह बाद उनको कठिनाइयां आने लगी। मीना और उसका पति मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उसे रखने के बाद सुखाते थे, परंतु धूप तेज न होने के कारण बर्तन सूख नहीं पाते थे। दूसरी तरफ रीना और उसका पति खेती करते थे, पर बारिश न होने के कारण फसल उग नहीं पाती थी। पर रीना सूखी घास से टोकरियां बनाकर बेचती थी और पैसे कमा लेती थी। बहुत दिनों बाद गोविंद अपनी दोनों बेटियों के घर जाता है और पहले मीना के घर जाकर उसे पूछता है कि उसका क्या हाल है। जब मीना अपनी कठिनाइयां बताती है तो वह कहता है, मैं प्रार्थना करूंगा कि तेज धूप जरूर आए। और दूसरी तरफ मीना से कहता है, मैं प्रार्थना करूंगा कि बारिश आए। उसने अपनी दोनों पुत्रियों को कह तो दिया था, पर अब प्रश्न उसके मन में यह था कि प्रार्थना किसके लिए करे। आखिर में वह प्रार्थना करता है कि तेज धूप आए। मीना तो बहुत खुश रहती थी, क्योंकि वह अपनी कला का इस्तेमाल करती थी और समझती थी कि उसकी बड़ी बहन जो काम करती थी वह खास नहीं था। मीना ऐसी ही घमंडी और क्रूर होने लगी। वह अपनी कला पर घमंड करने लगी और दिखावा करती थी। मीना सूखा पड़ने के कारण सूखी घास से टोकरियां बनाती थी और उन्हें बेचती थी, अपनी बहन को इस्तेमाल करने के लिए देती थी और खुद इस्तेमाल करती थी। वह पर मीना की तरह घमंड नहीं करती थी। एक दिन जब वे दोनों कुएं से पानी भर रही थी, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। गोविंद मिल में काम कर रहा था, तो जब बारिश हुई, कल में करंट आ गया तो उसकी मृत्यु हो गई। बारिश से मीना को बहुत नुकसान हुआ, पर रीना को पहले भी फायदा हो रहा था और अब भी बारिश हो गई थी तो फायदा दुगना हो गया था। मीना 1 माह तक भूखी रही, क्योंकि उसका उस बारिश के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। मीना रीना के से शर्मिंदगी के साथ कहती है, मुझे क्षमा कर दो बहना, मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं कितनी क्रूर हो गई थी। क्या तुम मुझे क्षमा करोगी? मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, रीना हंसते हुए कहती। बहना, मैंने तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना। जब तक बरसात का मौसम चलेगा, तब तक तुम मेरा आधा राशन ले सकती हो। यह भूल वापस मत दोहराना। क्या मालूम कब कठिनाइयां तुम पर वापस टूट पड़े। फिर वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी कोई काम का छोटा नहीं समझना चाहिए और हर एक मजदूर के काम की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि हम जो भी इस्तेमाल करते हैं वह कहीं एक हमारे जैसे व्यक्ति ने ही कठिन परिश्रम करके बनाया, पकाया तथा उपजाया होगा। धन्यवाद।
की बात यह है कि तिथि ने ये खुद कहानी लिखी हुई है। क्या आप विश्वास करेंगे, इतनी छोटी बच्ची ने इतनी सुंदर कहानी लिखी है। तो तिथि हमारे लिए